बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामीन। मैं हूँ आपकी मेज़बान बिल्किस। आज हम बनाने लगे हैं गजरेला। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी आप देख सकें। अज्जा, दूध 4 लीटर, गाजर 2 किलो, चावल 1 पाव, मलाई आधा किलो, चीनी 1 प्याली। जी, अब हमने पतीले में 3 लीटर पानी डाल दिया है। इसके अंदर चावल और गाजरें मिक्स करने लगे हैं पकने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरें और चावल दोनों साथ ही हमने चढ़ा दिए हैं। जी नाज़रीन, ये देखें, ये 20 से 25 मिनट हो गए हैं। 4 लीटर पानी हमने इसमें मिक्स किया था, तो अब ये चावल और गाजरें पक रही हैं। ये जैसे बिल्कुल खुश्क होगा इसके बाद हम इसमें मलाई और दूध मिक्स करेंगे। जी नाज़रीन, आधा घंटा हो गया पकते हुए, इसमें अब हम मलाई मिक्स करने लगे हैं। जी ये जैसे मलाई इसके अंदर मिक्स हो जाएगी नरम हो के, तो उसके बाद हमने फिर दूध मिक्स करना है। इस तरह चीनी हमने सबसे लास्ट में मिक्स करनी है। जी नाज़रीन, हमने पहले स्टार्ट में फुल आग तेज़ रखी थी, अब जो है हमने हल्की कर दी है, क्योंकि अब नीचे से लगने का इसका ख़तरा हो जाता है ना। जैसे ये पकता जाता है उसी तरह इसका चम्मच हिलाते रहना है मुसलसल। अब हमने ये दूध बॉयल करके रखा था, ये अब मिक्स करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम चीनी मिक्स करने लगे हैं। कम से कम इसको हमने 15 मिनट पकाना है चीनी मिक्स करके, फिर उसके बाद हमारा ये गजरेला जो है तैयार हो जाएगा। 6 इलायचियों के दाने निकाल के वो भी हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं। आपने मीठा चेक कर लेना है, अगर 1 प्याली काफ़ी है तो ठीक है। बाज़ लोग हल्का इस्तेमाल करते हैं मीठा, बाज़ तेज़, जो तेज़ करते हैं वो थोड़ा सा और इसमें मिक्स कर लें, आधा चम्मच ये पकाने वाला इसका आधा हिस्सा और डाल लेना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हमारा गजरेला तकरीबन तैयार हो चुका है। चीनी भी हमने डाली है, उसको 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए, उसके बाद हमने इसको उतार लेना, अब चूल्हा बंद कर देना, बिल्कुल तैयार हो गया। जी नाज़रीन, आज की हमारी रेसिपी तैयार है गजरेला खीर। ओके, अल्लाह हाफिज़।